वैसे तो मैं बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन आज तुम जैसे जवानों को भी सुनने की जरूरत है। फकीहों के फकीह और शुजाओं के शुजा, हजरत अली की हिकायत सुनाता हूँ आज। बहुत गौर से सुनना तुम लोग। खैबर नाम का एक मारूफ कला होता था वहां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शहर मदीना के करीब यहूदियों का मजबूत गढ़ था वो। उस कले में रहने वाले शर पसंद और सियाह कल्ब इंसान थे वो। वो लोग रसूल पाक पर ईमान न लाए, मोमिनों के खिलाफ साजिशें करते थे। हत्ता के जंग खंदक में मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों के साथ मैदान जंग में सफारा भी हो चुके थे वो लोग। वाह बेगैरत लोग। खैर वो वक्त गुजर गया, जंग खत्म हो गई और अमन कायम हो गया। हमारे हुजूर ने मुसलमानों के इन खुफिया दुश्मनों पर, इन सियाह कल्ब लोगों की ताकत पर एक कारी जर्ब लगाना चाहिए। हमारे प्यारे महबूब रब्बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लश्कर ने कले पर एक जबरदस्त हमला किया, लेकिन कला फदा न हो सका। बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। आपने फिर हमले का हुक्म दिया, फिर हमला किया गया मगर बेसूद। वो कला जो था बहुत मजबूत था। हुजूर पाक को खबर हुई और आपने जब देखा कि मोमिनीन मायूसी का शिकार हैं, तो फरमाया लश्कर कालमों से दूंगा जो इसका असल हकदार और कर्रार होगा, जिसकी बदौलत फतह मुकद्दर होगी और वो शख्स होगा जंग में पीठ न दिखाने वाला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने वाला। और तब आपने उस हकदार को बुला भेजा, उन्हीं को जिनकी शमशीर हमेशा अल्लाह के नाम पर उठी, अल्लाह के शेर हजरत अली को। अली हाजिर खिदमत हुए। हुजूर पाक ने फरमाया कि खैबर फतह करो, जाओ ए अली। नबी पाक का हुक्म काफी था, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। चल दिए बस आलम लेकर, चले अल्लाह के शेर खैबर की समत। न उन्हें मजबूत फसीलें रोक सकी, न वो वहशी दरिंदे दुश्मन फौजी जोशदही की तरह फनकार रहे थे। अली जाकर कले के दरवाजे के सामने खड़े हुए, अल्लाह का नाम लेकर कंधे से टक्कर लगाई कले के दरवाजे को, कि वो दरवाजा जिससे पूरी फौज न हिला सकी। कले का वो दरवाजा चरचरा कर गली हुई लकड़ी की तरह उनके कदमों में आन गिरा। शहर फतह हो गया और परचमे इस्लाम शान शौकत से कले पर लहराने लगा। तो हासिल कलाम ये कि हल्ब शहर के दरवाजे हम पर अभी नहीं खुले बेशक, मगर एक बहादुर यकीनन उठेगा। खैबर का कला फतह करने वाले अली का गुलाम उठेगा, वो उनमें से होगा जो शिकस्त से मायूस होते हैं, न जीत पर कभी मगरूर, जो फतह को नहीं जिद्दोजहद को असल कामयाबी समझते हैं, हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगते हैं, गैरतमंद होते हैं। वो जिनके वसीले की बरकत से अल्लाह शहरों के कलों के दरवाजे खोल दिया करता है, वो सूरमा उठेगा, वो यकीनन उठेगा।